हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अगर व्यूअर्स आप सभी लोग भी मेरे तरह अपने फोन से इमेज को क्रिएट करना चाहते हो वो भी फ्री में, तो आप सभी लोग बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। अपने क्रोम ब्राउजर में जैसे ही आते हो इसके बाद आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। तो यहाँ पे आप जैसे ही लिखते हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे इस प्रकार का खाली बॉक्स देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको जो पेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से मेरा प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है। तो व्यूअर्स आपको इस प्रकार का प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो आपको क्या करना है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, आपको इस नेम को हटाकर और यहाँ पे आप सभी लोगों को अपने नेम को लिख लेना है और वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो लिखने के बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे एक जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से मेरा इमेज क्रिएट होकर आ चुका है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए व्यूअर्स आपको क्या करना है, आपको किसी एक इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक 3 डॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे भी क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप सभी लोगों को यहाँ पे कलर को चेंज करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि रेड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे रेड को हटाकर और यहाँ पे आप सभी लोग येलो कर सकते हो या जो भी कलर करना हो आप सभी लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपने नेम को लिखना है और यहाँ पे क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नया इमेज क्रिएट होकर आ जाएगा। तो व्यूअर्स आपको इस प्रकार का प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा चलिए मैं बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से आपको बैक हो जाना है और आ जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद व्यूअर्स आप सभी लोग मेरे वीडियो को भी जहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको इस प्रकार का 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक शेयर करने का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे एक कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे प्रेस करते हो तो यहाँ से बैक हो जाना है। इसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद व्यूअर्स आपको सर्च वाले पे टैप करना है और यहाँ पे आप जिस लिंक को भी कॉपी किए थे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसे सर्च भी कर देना है। यहाँ पे मेरा वीडियो ओपन होकर आ जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स आप सभी लोगों को यहाँ पे एक लाइक को जरूर कर लेना है क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप सभी लोगों तक वीडियो मेरा सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो आप सभी लोग इसे प्रेस करके जरूर रखिएगा क्योंकि मैं बहुत नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे जो मोर का बटन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक मोर का और दिख जाएगा ऑप्शन, इस पे भी क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे प्रेस करते हो तो व्यूअर्स मैंने आप सबके लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। आपको इसे कॉपी करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस जैसे ही करते हो इसके बाद नीचे की ओर आ जाना है तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि ब्लू टिक लग चुका है और यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है तो यहाँ पे आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि कॉपी लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपका प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ से अपने क्रोम ब्राउजर को दोबारा से ओपन करके और बिंग इमेज को यहाँ पर लिख कर और आप सभी लोगों को यहाँ पे इमेज को क्रिएट कर लेना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। तो और अगर बस आप सभी लोगों को यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी करने नहीं आएगा तो आपको क्या करना है कि आप सबको यहाँ से बैक होकर और आ जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा मेरे चैनल का लोगो, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल में इस प्रकार से आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि लिखा हुआ है चैनल देखें, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे प्रेस करते हो तो यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप सभी लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख सकते हो बहुत सारा इमेज और बहुत सारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता रहता हूँ जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो। अगर व्यूअर्स आप सभी लोग भी इस प्रकार इमेज को क्रिएट करना चाहते हो तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा इमेज और बहुत सारा प्रॉम्प्ट भी देता रहता हूँ जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो आप सभी लोग भी इस प्रकार का इमेज को क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए आप सभी लोग इसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। इस वाले प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसी प्रॉम्प्ट पे आपको लॉन्ग प्रेस किए हुए रहना है। तो यहाँ पे इस पे ब्लू टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक कॉपी का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हुए तो आपका प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बैक होकर अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके और यहाँ पे आपको बिंग इमेज क्रिएटर को सर्च करके और फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को
पेस्ट कर देना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट को किस प्रकार से पेस्ट कर दिया, तो आप सभी लोग भी इस प्रकार से यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके और क्रिएट वाले पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे इमेज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे नेम को जरूर चेंज कर लेना है और अपने नेम को लिख लेना है। तो व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।